नमस्कार, टेक भारती में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 2022 की नई लिस्ट जारी हुई है उसमें अपना नाम कैसे देखें। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे लोगों को अपना पता ही नहीं होता, उनके नाम से रुपया उठ गया रहता है और उन्हें पता ही नहीं होता है कि मेरा रुपया आया है या नहीं आया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि मेरा लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे 2022-23 की नई सूची जो है जारी हुआ उसके उसी में हम बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सीधे गूगल क्रोम ब्राउज़र में चलना है या उसके आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। लेकिन अभी आप रुक जाइए, पहले आप देख लीजिए कैसे कैसे करना है, तब जाकर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। तो चलिए पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र में, फिर आप लोगों को बताता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ गया हूँ और यहाँ पे सिंपल हम सर्च करेंगे RHEP। देखिए RHREPORTINGs ऐसा, देखिए बहुत सारे जगह पर आप यहाँ पे आता है IAY, ठीक है, .NIC.IN, लेकिन वहाँ पे आप खोलेंगे तो आपको नहीं मिलेगा और यहाँ से आप डायरेक्ट आप चल जाएंगे वेबसाइट पर। चलिए मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग वाला वेबसाइट जो है इस पर हम क्लिक करते हैं और सर्च करते हैं। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह के यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इस वाले पॉइंट पे आपको क्लिक करना है, आवास यहाँ पे है ना, इस वाले पॉइंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा है रिपोर्ट का सेक्शन, ठीक है। इस रिपोर्ट वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे रिपोर्ट वाले सेक्शन में, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जा रहा है प्रधानमंत्री। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ई नंबर वाला वेबसाइट है, फिजिकल रिपोर्ट, फिजिकल प्रोसेस रिपोर्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ सेकेंड नंबर जो ऑप्शन आ रहा है ना, सेकेंड नंबर यहाँ पे देखिए हाउस प्रोग्रेस अगेंस्ट द टारगेट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर सेकेंड वाले वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद में देखिए कि यहाँ पे सिलेक्शन फिल्टर्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक टिल डेट आ रहा है, एक प्रधानमंत्री आवास योजना आ रहा है, ठीक है। अगर आप में दूसरा कुछ शो कर रहा है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर टिल डेट में एक सिलेक्टेड है और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना है जो है इसमें भी एक ही सिलेक्टेड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ फिर से स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद में आता है फिर से यहाँ अगला पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में जो आपका ज़िला रहेगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपना ज़िला सेलेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ अपना मतलब यहाँ का जो भी प्रखंड है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में क्या करना है, आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता है आपका मतलब इसमें से गांव चुनना है, ठीक है, जो भी गांव हो उसको चुन लेना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसको चुन लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे नीचे अब फिर आना है। अब यहाँ पे आता है अपना यहाँ पर कैप्चर मतलब नंबर, जैसे 30 और 40, ठीक है, सॉरी 30 और 10 को जोड़ के यहाँ पर फिल कर देना है, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटराइज बहुत सारे लोग गलत करते हैं इस वजह से। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सर्च यहाँ पे जोड़ देना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, देखिए अब यहाँ पे आ गया, आपको एक्सेल खुल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको फिर से करा है, यहाँ पे डाटा यहाँ पे कई बार गलत हो जाता है, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं, आपका जोड़ सही है लेकिन यहाँ पर गलत आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से डाल देते हैं, सॉरी यहाँ पे मेरा वेबसाइट यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, वेबसाइट मेरा नहीं सही से खुल रहा था इस वजह से नहीं दिखा पा रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं जिन जिन लोगों का यहाँ पे आवास योजना का राशि मिल गया है। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए इस साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूरा नाम आ रहा है, कितना रुपया मिला है, कितना कंप्लीट हुआ है या नहीं। देखिए जिनका दो चरण के मिला हुआ है, मतलब दो स्टेप 40-40 हज़ार मिलता है तीन चरण में, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं दो, जिनका तीन मिल गया है उनका 300 कर रहा है और जिनका एक मिला होगा उनका एक, यहाँ पर देखेंगे तो एक आ रहा है इनका एक ही स्टेप। यहाँ पर हाउस सेंक्शन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई इस वजह से यहाँ पर नहीं मिला है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर पूरा नाम दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यहाँ पर जितना लिस्ट है ना उतना का नाम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ 384 यहाँ इस पंचायत में टोटल 384 लिस्ट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको PDF में डाउनलोड करने के लिए सबसे ऊपर में आना है और यहाँ पे क्या करेंगे, आपको देखिए PDF में कई बार ये डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, डाउनलोड PDF पर क्लिक करते हैं या डाउनलोड एक्सेल पर भी क्लिक कर सकते हैं, हम PDF पर क्लिक करते हैं। PDF पर क्लिक करेंगे उसके बाद में थोड़ा सा वेट करते हैं
और उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे आया हुआ है या नहीं। अब जैसे डाउनलोड सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब इसको हम पीडीएफ में ओपन कर लेते हैं। अब पीडीएफ में ओपन करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आ चुका है पीडीएफ, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, आप अपने पर व्हाट्सएप या कहीं भी जिसको सेंड करना हो वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से 384 जो था पूरा पीडीएफ मैं यहाँ पे आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। 18वें पेज में आ गए हैं आप, यहाँ नीचे में थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ खुल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 384 पूरा शो कर रहा है लास्ट में। तो इस तरह से आप अपना प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यानी आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो रोज़ डालता रहता हूँ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।